आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज, आप तक आपकी आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, जोगाराम राणावत की खास खबर पर एक नजर। सिक्कों की खनक के आगे सब नियम कानून बौने। बासनी द्वितीय चरण स्टील फैक्ट्री के किंग चेतन मेटल्स, चंचल इंडस्ट्रीज, चोपड़ा इंडस्ट्रीज के मालिकों का प्रभाव इतना है कि सारे नियम को ताक में रखकर संचालित हो रही फैक्ट्रियों के कोई कानून कायदे बौने नजर आते हैं। पुलिस भी उनके गिरबान में हाथ डालने से कतराती है तथा सिक्कों की खनक के आगे सब कुछ बेबस नजर आता है। देखते हैं खबर विस्तार से। ऐसा ही नजारा रविवार को देखने को मिला हुआ यूकी चेतन मेटल से। दोपहर के बाद दो ट्रैक्टर मलबा स्टील फैक्ट्री से भर कर निकले, जिसमें न तो ट्रॉली में पॉलीथीन बिछा कर भरा गया और ही ये तरल पदार्थ किसी टैंकर में भरा। ट्रैक्टर की ट्रॉली से ऑयल एवं ग्रीस युक्त ये अपशिष्ट पदार्थ बासनी कोको पंप से विवेक विहार तक सड़क पर फैल गया और कई बाइक सवार नीचे गिरकर चोटिल हुए। सूचना कंट्रोल रूम बासनी पुलिस को भी दी, लेकिन करीब एक घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन प्रभावशाली फैक्ट्री संचालक से मिलकर सड़क दो ट्रैक्टर मिट्टी डलवा कर इतिश्री कर डाली। जबकि कागजों में बंद इस इंडस्ट्री का मालिक पॉल्यून बोर्ड की कार्रवाई के सिलसिले में बाहर जाना बताया गया है। चोटिल हुए करीब 4-5 लोग सागरिया चौकी पहुंचे तो एसआई साहब ने सड़क पर सही तरीके से देखकर चलने की सलाह देकर टरका कर घर भेज दिया और रिपोर्ट तक नहीं ली। बाद में ये सब इंस्पेक्टर साहब और एक कांस्टेबल फैक्ट्री मालिक के फैक्ट्री जाकर आए और लोगों के द्वारा सागरिया चौकी में पहुंचाए ट्रैक्टर और चालक नगाराम को छोड़ दिया। चोटिल हुए राहगीरों का दर्द नजर नहीं आया, न ही लापरवाही कर मानव जीवन संकट में डालने का कानून नजर आया। कहते हैं कि सिक्के की खनक के आगे सब कानून बौने लगते हैं। हालांकि फैक्ट्री संचालक के वयोवृद्ध मालिक द्वारा गलती मानकर आगे से ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया। नियमानुसार ये अविशिष्ट पदार्थ JPNT में बेचकर उसे ट्रीटमेंट कर डोपिंग स्टेशन पर डालना चाहिए, लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त ये पदार्थ सड़कों के किनारे डालकर निकल जाते वाहन चालक और न जिम्मेदारों के परवाह है और न ही इंडस्ट्रीज मालिकों को इसकी परवाह है। कहाँ से आ रहे थे आप और कहाँ जा रहे थे? कैसे गिरे आप? नहीं, मोटरसाइकिल कैसे स्लिप हुई? अच्छा, आपका नाम? यहाँ बाईपास हो रहे पर एक डीजल का ट्रैक्टर था, ठीक है, तो यहाँ से बाईपास से इधर आ रहा था, ठीक है, तो उसपे ऑयल लीक हो रहा था और डूल रहा था ऑयल, ठीक है। उसके बाद में लोगों ने, मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं बाईपास चौराहे पे खड़ा था तो लोग ये गिर रहे थे, ट्रैक्टर वाले को आवाज लगी, लेकिन ट्रैक्टर वाला भगा के ले गया और यहाँ ब्रिज के पार पे ले वहां तक लेके गया ट्रैक्टर वाले को। और फिर हमने पीछा किया, फिर हमने पीछा किया, पीछा करके पकड़ के लाए, पकड़ के लाके और सांगरिया चौकी में लेके गए और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जो गिरा था पीड़ित उनको पट्टी करवा के और ट्रैक्टर वाले के साथ में अभी वहाँ पहुंचे हैं और पीड़ित यहाँ पहुंचे अभी। और आपका नाम? मेरा नाम सुनील बिश्नोई, सांगरिया। खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।